हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्ड्स चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कीबोर्ड क्या है और यह जो कीबोर्ड है यह हमारे किस काम आता है। तो देर किस बात की, तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने ज़रूर कीबोर्ड का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि अगर आप एक कंप्यूटर या फिर कोई लैपटॉप का इस्तेमाल किया होगा तब आपने टाइपिंग के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। कंप्यूटर कीबोर्ड का इस्तेमाल हम कंप्यूटर में डेटा एंट्री करने के लिए करते हैं। इसके साथ हम इसकी मदद से टाइपिंग भी कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कंप्यूटर में कमांड्स, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डेटा और दूसरे प्रकार के डेटा को एंटर करने के लिए किया जाता है। एक यूज़र कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करता है। तो अभी हम जानते हैं कि कैसे कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। यदि हम पहले समय की बात करें तब कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए सीरियल कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यदि मैं अभी की बात करूं, अभी यूएसबी और वायरलेस कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। यूएसबी को यूनिवर्सल सीरियल बस भी कहते हैं। तो अगर मैं कीबोर्ड्स के टाइप्स की बात करूं, तो बहुत से अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड लेआउट मौजूद हैं जिन्हें की रीजन और लैंग्वेज के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा क्वार्टी कीबोर्ड की। क्वार्टी कीबोर्ड को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। यह एक आम कीबोर्ड है, यह आपको मोबाइल फोन्स और लैपटॉप में मिल जाएगा। दूसरा हमारा कीबोर्ड है अजर्टी कीबोर्ड। इसे फ्रांस में डेवलप किया गया था। यह जो कीबोर्ड है क्वार्टी लेआउट से ज़्यादा अपडेट है और इसकी तुलना में अच्छा भी है। अगला हमारा कीबोर्ड है डबोरैक कीबोर्ड। इस कीबोर्ड का इस्तेमाल फिंगर मूवमेंट को कम करने के लिए बनाया गया है। इसमें क्वार्टी और अजर्टी कीबोर्ड की तुलना में इसमें ज़्यादा जल्दी और फास्ट टाइप किया जा सकता है। अगर मैं आज के ज़माने की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा लोग क्वार्टी कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं टाइपिंग के लिए, जो कि आपके मोबाइल फोन्स में भी आसानी से यह उपलब्ध होता है। तो अभी हम कीबोर्ड के कीज की बात करते हैं। एक कीबोर्ड में कई कीज होती हैं, तो चलिए इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है फंक्शन की। फंक्शन कीज कीबोर्ड में सबसे ऊपर होते हैं। इन्हें कीबोर्ड में F1 से F12 तक लिखा जाता है। इसका प्रयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए ही किया जाता है। दूसरी हमारी की है टाइपिंग की। सबसे अधिक इस्तेमाल इन्हीं कीज का होता है। टाइपिंग कीज में दोनों तरह की कीज होती हैं, जैसे अल्फाबेट और नंबर्स।
अल्फाबेट कीज वह होते हैं जिनकी शुरुआत ए बी सी से होती है, और नंबर्स वो होते हैं जिनकी शुरुआत 1 2 3 से होती है। टाइपिंग कीज में अल्फाबेट और नंबर्स के अलावा इसमें कई सिंबल्स भी शामिल होते हैं, जैसे कि कॉमा और क्वेश्चन मार्क आदि सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी हमारी की है कंट्रोल कीज। इन कीज को अकेले या अन्य कीज के साथ कोई निश्चित कार्य करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि जो कीबोर्ड में कल्ट की, अल्ट की, विंडो की और एस्केप की का उपयोग कंट्रोल कीज के रूप में किया जाता है। इसके अलावा मेनू की और स्क्रॉल की भी कंट्रोल कीज में शामिल होते हैं। चौथी हमारी की है नेविगेशन की। नेविगेशन कीज में एरो की, होम, एंड, इंसर्ट, पेज अप, डिलीट, पेज डाउन आदि कीज होती हैं। इसका जो प्रयोग होता है वह किसी डॉक्यूमेंट या पेज को इधर उधर करने में किया जाता है। इसके बाद आती है इंडिकेटर लाइट की। कीबोर्ड में 3 तरह की इंडिकेटर लाइट होती हैं, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। जब कीबोर्ड में लाइट जली होती है, इसका अर्थ है कि न्यूमेरिक कीपैड चालू है, और यदि जय बंद हो तो इसका अर्थ है कि न्यूमेरिक कीपैड बंद है। और अंत में अब हम बात करते हैं न्यूमेरिक कीपैड की। न्यूमेरिक कीपैड को हम कैलकुलेटर कीज भी कहते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिक कीपैड में लगभग एक कैलकुलेटर के समान ही कीज होती हैं। इसका इस्तेमाल नंबर्स लिखने में किया जाता है। तो अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।